नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड 12वीं के लिए हिंदी पार्ट 100 अंक में एक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हार जीत। हार जीत कविता के कवि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम निर्मला देवी एवं पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए इन्होंने प्राप्त किया था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त भी हुए। वे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावीति मोदी कवि शेखर सम्मान प्रमुख हैं। संप्रति वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी की 3 दर्जन से अधिक लगभग उनकी मौलिक और संपादित रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें प्रमुख हैं शहर अब भी संभावना है, एक पलंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुड़ी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका, आकाश, आविन्यो, अभी कुछ और समय के पास समय, इबादत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ ठिगरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिट्ठी रसा, जो कविता संग्रह थी, ये प्रमुख थे। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक और संस्कृति कर्मी हैं। इनकी संवेदना, भाषा और रचनात्मक चिंताओं ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया। उनकी कविता में व्यक्तिगत आग्रह बढ़ने लगे। खुशहाल मध्यम वर्ग की अभिरुचियों को तुष्ट करने में उनकी कविता में एक तरह की स्वच्छंदता विकसित हुई। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसी कवि जिसका मानस विस्तृत है, उदार है, संवेदना युक्त है और भाषा स्फूर्त, समर्थ, भारहीन और अर्थ गृहिणी है। कविता का जो सारांश है वो इस प्रकार कि हिंदी साहित्य के प्रखर प्रतिभा संपन्न कवि अशोक वाजपेयी की हार जीत कविता अत्यंत ही प्रामाणिक है। इनमें कवि ने युग बोध और इतिहास बोध का सम्यक ज्ञान जनता को कराने का प्रयास किया। इस कविता में जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं एवं जनता की अबोधता, निर्दोष छवि को रेखांकित किया गया है। कवि का कहना है कि सारे शहर को प्रकाशमय किया जा रहा है और वे यानी जनता, जिसे हम तटस्थ प्रजा भी कह सकते हैं, उत्सव से सहभागी हो रहे हैं। ऐसा इसलिए वे कर रहे हैं कि ऐसा ही राज्यादेश है। तटस्थ प्रजा अंधानुकरण से प्रभावित है और गैर जवाबदेह भी है। तटस्थ जनता को यह बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं, लेकिन नागरिक में से अधिकांश को सत्यता की जानकारी नहीं है। उन्हें सही सही बातों की जानकारी नहीं है। किस युद्ध में उनकी सेना और शासक शरीक हुए थे उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है और कि शत्रु कौन है। विडंबना की बात यह है कि इसके बावजूद भी वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। उन्हें सिर्फ यह बताया गया है कि उनकी जीत हुई है। उनकी से आशय क्या है, यानी उनकी माने किनकी, यह एक प्रश्न उभरता है। यह भी स्थिति साफ नहीं है कि वे जश्न मनाने में इतना मशगूल हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि आखिर विजय किसकी हुई, सेना की, शासक की या नागरिकों की। कितनी भयावह सोचनीय स्थिति है, किसी के पास यह फुर्सत नहीं है। वह पूछे कि आखिर यह कैसे और क्यों हुआ। वे अपनी निजी समस्याओं में इतना खोए हुए हैं कि मूल समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। यह उनकी व्यवस्था ही तो है। वह कौन सी व्यवस्था है, वह भी विवेचना का समय है। नागरिकों को यह भी सही से पता नहीं है कि युद्ध में कितने सैनिक गए थे, कितने विजय प्राप्त कर लौटे। खेत में रहने वालों यानी जो शहीद हुए हैं उनकी सूची भी नदात है। कभी उपरोक्त पंक्तियों पर इतिहास के लोक जीवन की ज्वलंत समस्याओं की ओर
अपनी कविताओं के माध्यम से सच्चाई से वाकिफ कराने का प्रयास किया है। कवि कहता है, इन सारी बातों की जानकारी रखने वाला चाहे कोई साक्षी है तो वह है मशक वाला। वह मशक वाला जिसका काम है मशक के पानी से सड़क को सींचना। मशक वाला कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, गाजे बाजे के साथ, जीत कर नहीं हार कर लौट रही है, मूल बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विडंबना है कि मशक वाले की एकमात्र जिम्मेवारी सड़क सींचने भर की है, सच लिखने या बोलने की नहीं है। जिनकी है वे सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं, यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रस्तुत कविता अत्यंत ही यथार्थ परक रचना है। कवि सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता है, वर्तमान में राष्ट्र और जन की क्या स्थिति है, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उक्त गद्य कविता में कवि के द्वारा प्रयुक्त शासक, सेना, नागरिक, मशक वाला शब्द का प्रतीक प्रयोग है। शासक वर्ग अपनी दुनिया में रमा हुआ है, उसमें उनके अन्य प्रशासकीय वर्ग भी सम्मिलित हैं। नागरिकों की स्थिति बड़ी ही असमंजस वाली है। मशक वाले पूरे घटनाक्रम को सही जानकारी रखता है, लेकिन उस पर बंदिशें हैं, वह सत्य से अवगत नहीं कराता है। इसे सख्त हिदायत है न लिखने की न बोलने की। उक्त कविता में कवि ने पूरे देश की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराने का काम किया है। राज्यादेश के कारण तटस्थ प्रजा जश्न मनाने में मशगूल है। प्रजा चेतना के अभाव में गैर जिम्मेदार भी है। उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी, कर्तव्य और अधिकार क्या है। नागरिकों को पेट की चिंता है। नागरिक स्वार्थ में अंधा है। वे अपनी स्वार्थपरकता में इतना अंधे हैं कि राष्ट्र की चिंता ही नहीं याद आती। यह एक प्रश्न खड़ा करता है। ये हमारे राष्ट्र के समक्ष जब तक जन और सुशिक्षित, प्रज्ञ एवं चेतना संपन्न नहीं होगी, तब तक राष्ट्र विकसित और कल्याणकारी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने को बलिबेदी पर चढ़ाया, आज उनका इतिहास ही नहीं है। उनकी सूची अपूर्ण है। उनकी शहादत को देश के शासक भूल गए हैं। शहीदों की कुर्बानी के महत्व को तरजीह नहीं दी जाती है। उधर किसी का न ध्यान जाता है, न श्रद्धा ही है। बड़ी ही त्रासद स्थिति है। श्रमिकों, मजदूरों, किसानों की दीन दशा की ओर भी कवि ने ध्यान आकृष्ट किया। वे सड़क सींचते हैं, यानी अपने श्रम द्वारा राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के इतने दिनों बाद उनकी सामाजिक आर्थिक दशा सुधरी क्या? वे जीवन बोध से अवगत हुए क्या? अगर हुआ होता तो वे ऐसा नहीं करते, यानी गैर जवाबदेही और अंधभक्त होकर शासनादेश और अविवेकपूर्ण आदेश को नहीं मानते। किसकी जीत हुई या हार हुई, यह भी सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। जीवन के यथार्थ और देश की वास्तविक समस्याओं की ओर से हमारा ध्यान हटकर झूठ मूठ के दिखावे, ठाकुर सुहाती बातों के द्वारा जश्न मनाने की तैयारी, यह लोकतंत्र के लिए खिलवाड़ नहीं तो क्या है? देश की प्रज्ञा राजनीतिक चेतना से चर्चित है। वह राजनीतिक अधिकारों की बातें क्या समझे या जाने? उसे तो भूख के आगे कुछ सूझता ही नहीं। अबोधता और अज्ञानता में पल रही प्रजा सत्य से कोसों दूर है। अगर उसे राजनीति की ही सही शिक्षा मिलती तो वह जिम्मेवारी से भागता नहीं तथा हार को हार कहती, जीत को नहीं कहती, यानी सत्य के लिए संघर्ष करती, आंदोलन करती, अपने अधिकारों के लिए सचेत रहती। अपनी अबोधता और विवशता के कारण ही वह दूसरे क्षेत्रों में दखल नहीं देती। इस कविता में देश के नेताओं के चरित्र को भी उद्घाटित किया गया है। नेताओं के चारित्रिक गुणों का पर्दाफाश किया जाता है। लड़ाई के मैदान से वे लौटे हैं, लेकिन सेना के साथ ही इसका तात्पर्य है। सेना सच बोलकर भेद नहीं खोल दे, वे हार कर लौट रहे हैं और झूठी प्रशंसा में जीत का प्रचार कर रहे हैं। उक्त गद्य कविता में कवि का कहना है कि देश की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा है। झूठे प्रचार तंत्र के द्वारा यह शासन चल रहा है। मशक वाला बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। बुद्धिजीवियों के आगे भी संकट है। क्या वे सत्य के उद्घाटन में स्वयं को सक्षम पाते हैं? कई प्रकार की बंदिशें हैं सत्य कहने लिखने की। जनता मूक दर्शक बनकर सही स्थितियों को देख रही है, किंतु उसे ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपनी व्यवस्था में वह अभिशप्त है। घोर दुर्व्यवस्था, प्रपंच, झूठे आडंबरों, दकियानुसी बातों और समय व्यतीत हो रहा है। लोक जीवन में अराजकता, अशिक्षा, बेकारी, बेरोजगारी भवाह रूप से परिव्याप्त है। उसे और किसी का भी ध्यान नहीं आ रहा है। शासक वर्ग को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए न कोई उपाय है और न वे हृदय से इसे चाहते हैं। वे तो अपने शान शौकत जय जयकार में लीन हैं। प्रजा मौन है।
बुद्धिजीवी विवश हैं, लोकतंत्र खतरे में है, राष्ट्रीय चेतना सुसुप्तावस्था में है, सांस्कृतिक और राजनीतिक संकट के आवरण में देश घिरा हुआ है, अनेक सामाजिक विसंगतियों एवं समस्याओं से जन जलवंत त्रस्त है, कवि व्यग्र है, चिंतित है, इन समस्याओं से कैसे मुक्ति मिले। इन व्याख्या के बाद कुछ प्रश्न एवं उत्तर जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, तो इसके उत्तर के रूप में हम लोग दे सकते हैं कि किसी शहर विशेष में रहने वाले सामान्य नागरिक उत्सव मना रहे हैं, उनके उत्सव मनाने के कारण निम्नलिखित हैं। कुछ लोगों द्वारा यह बता दिया गया है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है और वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही, उन्हें इस युद्ध की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है, उन्हें युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में भी कुछ भी पता नहीं है, सच बोलने वाले अपनी जिम्मेवारी का उचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। तो नागरिक इसलिए व्यस्त है क्योंकि उन्हें उत्सव मनाने के लिए नाना प्रकार की तैयारियां करनी है, उन्हें विजयी भाव प्रदर्शित करते हुए विजयी सेना तथा शासक का स्वागत करना है, उन्हें युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या का पता नहीं है, लौट कर आने वालों का भी ठीक ठीक से पता नहीं, अर्थात युद्ध में कितने लोग मारे गए इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, उन्हें तो बस सुखद परंतु असत्यपूर्ण समाचार ही ज्ञात हुआ है। उनकी व्यस्तता जायज नहीं है क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का पता नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि वास्तव में उनकी जीत नहीं बल्कि हार हुई है। तीसरा प्रश्न हमने लिया है ये किसकी विजय हुई, सेना की, नागरिकों की, कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया, तो यह विजय किनकी है, आप क्या सोचते हैं बताएं। तो इसका उत्तर है कि किसी की विजय नहीं हुई, विजय प्रतिपक्ष की हुई, कवि ने देश की वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। कवि के विचारों पर चिंतन करते हुए यही बात समझ में आती है कि झूठ मूठ के आश्वासनों एवं भुलावे से में हमें रखा गया है, यथार्थ का ज्ञान हमें नहीं कराया जाता, यानी सत्य से दूर रखने का प्रयास शासन की ओर से किया जा रहा है। चौथा प्रश्न हमने लिया है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है। तो खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि युद्ध में दोनों पक्षों के अनेक वीर मारे जाते हैं, विजय के मद में चूर सेना इन मृत सैनिकों या लोगों की परवाह नहीं करती, वह भूल जाती है कि इस विजय में उनका भी अप्रत्यक्ष योगदान है, उनके बिना विजय मिलना संभव नहीं था। इस पंक्ति में कविता में यह सार्थकता है कि विजय की खुशी में चूर विजयोत्सव मना रहे लोगों को मरे हुए लोगों तथा सैनिकों का जरा भी ध्यान नहीं है, उनके आश्रितों पर क्या बीत रही है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, वे तो बस विजयोत्सव मनाने में व्यस्त हैं। वास्तव में शासक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जनता के जीवन का मोल नहीं समझता है, वह बनावटी राष्ट्रीयता का नारा देकर पूरे राष्ट्र को युद्ध की भीषण ज्वाला में झोंक देता है, वह तो अपना अधिनायकत्व बनाए रखने के लिए युद्ध लड़ता है। इस पंक्ति के माध्यम से सत्ता वर्ग सत्ता लोलुप प्रवृत्ति का पर्दाफाश होता है। पांचवा प्रश्न हमने लिया है कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है ताकि उनकी धूल गुबार समाप्त हो सके और युद्ध क्षेत्र से छत्र चवर और गाजे बाजे के साथ जो विजयी राजा आ रहे हैं उन पर धूल न उड़े, उन्हें पहले जैसा बनाया जा सके, अर्थात युद्ध के कारण उनकी टूटी फूटी हालत में सुधार लाया जा सके। इस तरीके से हमने इस पाठ में लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का संकलन किया है। आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके पास समय कम है तो आप इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिकाओं में नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। इस तरीके से आप यदि उत्तरों को अपने बिहार बोर्ड की फाइनल परीक्षा में यदि उत्तरित करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। जो इस ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के चैनल पर नए हैं वो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।